नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अनिल देशमुख पर ईडी ने कसा शिकंजा, ब्लैक फंगस के 3 वार्ड तैयार, दूसरा डोज का भी चल रहा वैक्सीन। आइए आप खबरें देखते हैं विस्तार से। अनिल देशमुख पर ईडी ने कसा शिकंजा। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बेहद करीब है बटेवार। सीए बैटरी कारोबारी पर निर्देशालय के अधिकारियों ने निशाना साधा है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बहुत ही निकटवर्ती कारोबारी सहित सीए और आईटी फर्म के संचालक तथा बैटरी कारोबारी पर प्रवर्तन निर्देशालय के अधिकारियों ने निशाना साधा है। सागर बटेवार को जानने वाले कहते हैं कि पैसे को यही कारोबार में तब्दील करता था। वैसे भी प्रवर्तन निर्देशालय यही खोज कर रही है कि गृह मंत्री ने पैसे कहां कहां लगाया है। कुल 4 दल बनाकर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आईटी पार्क स्थित आईटी कंपनी सिनेसिस बैटरी कारोबारी समेत ईशाक एवं एक नामी वकील को भी कार्रवाई में लपेटा गया। मंगलवार को हुई कार्रवाई से यह उजागर हो गया कि बटेवार एवं कुछ अन्य लोगों की ही पैसे को अन्य कारोबार में लगा रहे थे। ईडी के सूत्रों ने बताया कि मंगलवार को बटेवार के साथ साथ 3 अन्य जगहों पर भी कार्रवाई की गई। ये लोग भी पूर्व मंत्री के काफी निकटवर्ती बताए जाते हैं। विभागीय अधिकारियों को घरों और कार्यालयों से बड़े पैमाने पर दस्तावेज मिले हैं, जिसकी आगे जांच कर कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार को सुबह शुरू हुई कार्रवाई देर शाम तक जारी रही। वरिष्ठ सूत्रों ने बताया कि कार्रवाई से वह संतुष्ट है और जो शंका उन्हें थी उस दिशा में काफी कुछ हासिल हुआ है। यह तो कुछ दिनों की जांच के बाद ही पता चलेगा कि कागजात में कितना दम है। राज्य के कई स्थानों में कारोबार का खुलासा भी रेड में हुआ है। तो वही दूसरी ओर ब्लैक फंगस के 3 वार्ड तैयार। मेडिकल में हर दिन बढ़ते जा रहे हैं मरीज। 104 मरीज मेडिकल में भर्ती है, 78 की रिपोर्ट नेगेटिव आई। भले ही कोविड के नए मरीज कम होने लगे हैं, लेकिन कोरोना से पीड़ित और विविध बीमारियों से ग्रस्त मरीजों में ब्लैक फंगस का प्रमाण बढ़ने लगा है। इन मरीजों के उपचार के लिए शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अस्पताल में 3 स्वतंत्र वार्ड की व्यवस्था की गई है। इन वार्डों में 100 बेड तैयार किए गए हैं। वार्ड क्रमांक 14, 15 व 16 में इन मरीजों का इलाज किया जाएगा। इससे पहले वार्ड 14 अस्थि रोग शास्त्र विभाग में शल्यक्रिया होने वाले तथा वार्ड 15 व 16 कान नाक गला विभाग के मरीज के लिए आरक्षित था, लेकिन भविष्य में ब्लैक फंगस के मरीज बढ़ने की वजह से व्यवस्था की गई है। म्यूकर माइक्रोसिस मरीजों के उपचार के साथ ही प्रबंधन के लिए विभागीय आयुक्त डॉक्टर संजीव कुमार के आदेश अनुसार अधिष्ठाता डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने मेडिकल के 6 अलग अलग विभाग प्रमुखों की समिति गठित की है। कान नाक गला विभाग के प्रमुख डॉक्टर अशोक नितनवरे की अध्यक्षता में बनी समिति में औषध वैद्य शास्त्र विभाग के डॉक्टर प्रशांत पाटिल, बदिरीकरण विभाग के डॉक्टर वासुदेव बारसागड़े, प्लास्टिक सर्जरी विभाग के डॉक्टर पाटिल, नेत्र विभाग के डॉक्टर राजेश जोशी, न्यूरो सर्जरी विभाग के डॉक्टर पवित्र पटनायक का समावेश है। इनके अलावा मेडिकल के 90 निवासी डॉक्टर सहित वरिष्ठ डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है। तो वही तीसरी और दूसरा डोज का भी चल रहा वैक्सीन। कोरोना से बचने के लिए भले ही वैक्सीनेशन को कारगर करार दिया गया हो, लेकिन वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने के कारण कई बार अभियान स्थगित करना पड़ा है। कोरोना की भयावहताओं से बचने के लिए भले ही वैक्सीनेशन को कारगर करार दिया गया हो, लेकिन वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने के कारण कई बार अभियान को स्थगित रखा गया। वैक्सीन की कमी के चलते केंद्र सरकार की ओर से कोरोना का दूसरा डोज 12 से 16 सप्ताह के बीच ही देने की सूचना जारी की गई है। केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के बावजूद 12 सप्ताह पहले ही शहर में लोगों को दूसरा डोज दिए जाने से लोगों में संभ्रम की स्थिति बनी हुई है। उल्लेखनीय है कि देश भर में 1 मार्च से 60 और 45 आयु वर्ग के कोमोरबिड लोगों को वैक्सीन लगाने का अभियान शुरू किया गया है। केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार यदि 12 सप्ताह बाद ही दूसरा डोज दिया जाना है तो दूसरा डोज 1 जून के पूर्व देना संभव नहीं है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ एमएनएस न्यूज़ लाइव पर। नमस्कार।